ये किसान विरोधी सरकार है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि किसान विरोधी, यदि कोई विभाग आप देखोगे तो दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, कोई ऐसी चीज नहीं बची जो लोकतंत्र को इन्होंने खत्म करने का प्रयास नहीं किया हो, संवैधानिक अधिकार जो लोगों के हैं उनको खत्म करने का प्रयास नहीं किया हो। क्योंकि वहां पर मलाई बटने वाली है, वहां पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी जा रही है, तो वहां हम इस समाज के लोगों को कैसे रखते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और कान खोल कर सुन ले, यदि आज लखनऊ में यहाँ बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है तो ये अपने न्याय के लिए, अपने आरक्षण के लिए इकट्ठा हुआ है। और हम किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे, आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे। मनुवादी सरकार को लगता है डर क्योंकि बहुजनों को आ गया अपने अधिकारों के लिए जीना। अपने हक के लिए, अपने आरक्षण के लिए, अपने मुक्ति के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते हैं। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, और जो पूरे प्रदेश से यहां कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सभी का बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूं। साथियों, ये इको पार्क लखनऊ के सेंटर में स्थित है, जहां से योगी सरकार जी के सचिवालय और मंत्रियों के आवास और एमपी एमएलओ के आवास बहुत नजदीक है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हमारे शिक्षक भाइयों की और तमाम आंदोलनकारियों की आवाजें उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। या तो वो सुनना नहीं चाहते या वो देखना नहीं चाहते। इस भारी हजूम को, इस आवाज को, इस पिछड़े दलित ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के जो आह्वान है, इस भारतीय जनता पार्टी ने जो बहकाकर वोट लिया, प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई और ओबीसी वर्ग का विशेषकर बहकाकर वोट लिया, आज ओबीसी समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने साथ धोखा महसूस कर रहा है। क्योंकि यदि सबसे ज्यादा अधिकार छीने गए हैं तो वो ओबीसी समाज, एससी एसटी और पिछड़ों के छीने गए हैं। ये पिछड़ा विरोधी सरकार है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि किसान विरोधी, यदि कोई विभाग आप देखोगे तो दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, कोई ऐसी चीज नहीं बची जो लोकतंत्र को इन्होंने खत्म करने का प्रयास नहीं किया हो, संवैधानिक अधिकार जो लोगों के हैं उनको खत्म करने का प्रयास नहीं किया हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग घमंड में है, अहंकार में है कि कोई जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, देश को बांटने की बात करेंगे और आपकी दोबारा सरकार बन जाएगी। लेकिन अब ऐसे आने वाला नहीं है। अब ओबीसी समाज जाग चुका है, अब अपने अधिकारों के लिए वो पिछले 79 दिनों से यहाँ धरना दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में किसान महापंचायत कर इस सरकार को उखाड़ने का संकल्प ले चुके हैं। पिछड़ा आयोग बना, 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हें अपनी रिपोर्ट दी। जो केंद्रीय पिछड़ा आयोग है, जिसे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसके जांच पर भी भरोसा नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है, आरक्षण के साथ छेड़खानी हुई है, संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 में उनको अनदेखी की गई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हमारे प्रदेश के मंत्री बने बैठे हैं, जो आपके वोट के बूते मंत्री बने बैठे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे पिछड़े की आवाज उठाने के लिए पिछड़ा आयोग बना, पिछड़े के 10 मंत्री प्रदेश में और 27 मंत्री केंद्र में बनाए गए। लेकिन वो 4 महीने जो सरकार के बचे हैं, आपकी वोट लेने के लिए बनाए गए हैं, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नहीं बनाए गए, आपकी आवाज उठाने के लिए नहीं बनाए गए। सबके मुंह पर टेप लगी हुई है। आज तक इन्होंने मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इन्होंने जातिगत जनगणना जो ओबीसी की होनी है उसके लिए सरकार ने मना कर दिया है। अभी आपके नजदीक बांदा में कृषि विश्वविद्यालय था, जिसमें 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का एक भी प्रोफेसर इन्होंने नियुक्त किया नहीं किया है।
ये तो जिस राज्य के नाम पर ये सरकार बनाते हैं उसके साथ भी धोखा करने का काम करते हैं। ओबीसी वर्ग ने वोट देकर सरकार बनाई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि एक भी ओबीसी को उसमें स्थान देते, क्योंकि वहां पर मलाई बटने वाली है। वहां पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी जा रही है, तो वहां ओबीसी समाज के लोगों को कैसे रखते। आज इन्होंने नीट का आरक्षण आपने देखा, दिल्ली के अंदर इन्होंने नीट के आरक्षण में आपके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में आंदोलन किया और नीट के आरक्षण को बहाल कराने का काम किया। ये ताकत है आप लोगों की, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जन्म संघर्ष से हुआ है। हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म संघर्ष, आंदोलन और जेलों से हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहने चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है, गोली डंडा लाठी से डरने वाले नहीं है। आप अपने जितना जोर है उतना जोर लगा लो, हम अपने उन 1000 शिक्षक भाइयों को न्याय दिलाते रहेंगे। या तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी आंदोलन में जाते नहीं है, यदि जाते हैं तो बिना निर्णायक लड़ाई के वापिस आते नहीं है। ये कारण है संघर्ष का, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से ज्यादा जेलों में गुजारी है, चाहे रविदास मंदिर आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे साइनबाग का आंदोलन हो, चाहे उन्होंने जो हमारे छात्राएं जामिया में पीटी गई उनका आंदोलन हो, चाहे पिछड़ों का आंदोलन हो, चाहे एससी एक्ट का आंदोलन हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर 90 से ज्यादा मुकदमे संघर्ष के दौरान बहुजन समाज की हक आवाज उठाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार खोर कान खोर कर सुन ले, यदि आज लखनऊ में यहाँ बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है तो ये अपने न्याय के लिए, अपने आरक्षण के लिए इकट्ठा हुआ है। और हम किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे, आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे। ऐसे नारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी साथी पूरी आवाज के साथ, पूरी ताकत के साथ नारे लगाएंगे और उसकी आवाज हमारे योगी जी के कान तक पहुंचनी चाहिए, जिन्होंने कान में कुछ ना कुछ दे रखा है ताकि सुनाई ना दे। हक हमारा, हक हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, देना होगा, देना होगा, छीन करेंगे, छीन करेंगे। हक हमारा, आवाज हमारी, आवाज हमारी, लेके रहेंगे, देना होगा। मोदी सुन ले, योगी सुन ले, देना होगा, लेके रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अपने अधिकारों के लिए जीना, रखते हैं मूछों पर ताव और चलते हैं तान पर सीना। मूछों पर रखते हैं ताव और चलते हैं तान पर अपना सीना। मनुवादी सरकार को लगता है डर कि कुछ पहुंचने को आ गया है अपने अधिकारों के लिए जीना। साथियों, इसी यादन के साथ हमारे भाई की बहुत डिमांड, सभी लोगों की डिमांड है कि हमारे भाई गाना सुनाए, तो हमने सुनना चाहते हैं। पहली बार हमने भाई को सुना है, तो हम चाहते हैं कि भाई भी अपना एक कोई जो भी आपका सॉन्ग है वो सुनाए। बाबा साहब के चरण में दो शब्द रखते हैं गीत के माध्यम से। अरे दादा भीम जैसन धरती पर आईना नहीं ज्ञानी बाबू जी, बाबा भीम जैसन धरती पर आईना नहीं ज्ञानी बाबू जी। और जब मेरा ही गंगा जमुना में पानी अमर बाबू जी, जब मेरा ही गंगा जमुना में पानी अमर बाबू जी। लेकिन अगली लाइन में कहना है, अरे छुआ छूत भेद भाव जड़ से मिटा वाले मानो मानो एक बाटे सब समझावले,
छुआ छूत भेदभाव जग से मिटा वाले मानो मानो एक बाटे सबका बतावले। अरे यही से पखंडियन के पेटावा में बचे नाही पानी बाबूजी, यही से पखंडियन के पेटावा में बचे नाही पानी बाबूजी। जब ले रही गंगा जमुना में पानी अमरे बाचा होने बाबूजी, जब ले रही गंगा जमुना में पानी अमरे बा कहानी बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो इतना प्यार दिलवा दिया। और इसी के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।